नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य का हमने देख लिया, ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, आपको गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, कौन, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी के प्रथम शासक, अंतिम शासक और प्रसिद्ध शासक को कहां लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर दे देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इससे पहले हम देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के कौन कौन शासक रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक होती है कौन सी, भाजसब, ध्यान रखना इस ट्रिक को, ठीक है, भाजसब, यह हमारी ट्रिक होती है किसकी, मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य कौन सी होती है, भाजसब होती है। पहला शासक जो होता है वो होता है बाबर, दूसरा शासक होता है इसका बेटा कौन, हुमायूं, तीसरा शासक होता है अकबर, उसके बाद आता है जहांगीर इसका बेटा, उसके बाद आता है कौन, ऐसे शाहजहां, उसके बाद आता है तुम्हारा औरंगजेब इसका बेटा, और उसके बाद आता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह, और जो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी थे, जो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और कितने थे, लोधी थे, इन सभी के प्रथम शासक, ठीक है, लोधी होगा प्रथम शासक और अंतिम शासक क्या है, और प्रसिद्ध शासक को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी के लिए, ठीक है। ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ा रखे हैं, तो अब आपको याद करना है कौन सी, भाजसब, जिसमें पहला शासक हो जाता है गुलाम वंश का बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, और पांचवा हो जाता है शाहजहां, छठा हो जाता है औरंगजेब, और सातवां होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो आप सभी को नाम यहां पर याद होने चाहिए। हमने बाबर को देख लिया, ठीक है, बाबर को हमने देख लिया, अब हम किसको देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में, ठीक है, और हुमायूं से ही रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन सेकंड हमारा देखने को मिलने वाला है। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मगर बात करें गुलाम साम्राज्य का क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, हुमायूं वीर साहसी और धैर्यवान पुरुष था, तथापि वह अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका। बहुत ही कैसा था, धैर्यवान और बहुत ही समृद्धिशाली साहसी था, मगर वह अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका। हुमायूं की पराजय के कारणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, हुमायूं के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, हुमायूं की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, उसकी असफलता के कारण भी आपको बताना है, ठीक है। देखो इससे पहले हम एक बार और रिपीट करते हैं बाबर के बारे में, ठीक है, किसके, बाबर के बारे में, जो कि आपको याद हो जाए, रिपीट करते रहते हैं पुराने वाले क्वेश्चनों में जो कुछ फैक्ट होते हैं तो हमें वो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले हम रिपीट करेंगे, इसके बाद उसके आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था, है ना, गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी, बाबर ने, और बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे ये आपको पता है, बाबर ने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है मैंने, बाबर ने चार युद्ध लड़े थे, कितने, चार, तो एक दो तीन और कितने, चार, बाबर ने चार युद्ध लड़े थे और लगातार युद्ध लड़े थे, कैसे, लगातार युद्ध लड़े थे, चार युद्ध लड़े थे और लगातार युद्ध लड़े थे, ठीक है। बात करते हैं, पहला जो युद्ध होता है वो होता है 1526 का पानीपत का युद्ध, कौन सा, 1526 का पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद लगातार की बात हो रही है, तो 1527 में होता है उसके बाद, ये तो हो गया पानीपत का, ठीक है, 1526 में कौन सा था, पानीपत का था, ठीक है, उसके बाद 1527 में होता है खानबा का, कौन सा, खानबा का देखने को मिलता है। 1528 की बात करते हैं, 1528 में आपको देखने को मिलता है कौन सा, वह होता है चंदेरी का, कौन सा, चंदेरी का देखने को मिलता है। उसके बाद 1529 में देखने को मिलता है कौन सा, घाघरा का, ठीक है, घाघरा का युद्ध देखने को मिलता है, किस किस के बीच हुआ था, एक तो बाबर था ही, ठीक है, एक तो बाबर था ही, तो बाबर तो सभी में होगा, ठीक है, बाबर तो क्या होगा, सभी में होगा लगातार, ठीक है। बात करते हैं पानीपत का, आपको पता है पानीपत के युद्ध से ही क्या हुई थी, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी इब्राहिम लोधी को मारने के बाद। तो जब 1526 का युद्ध होता है पानीपत का, यह होता है इब्राहिम लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच तथा बाबर के बीच हो जाता है, ठीक है। उसी की बात करते हैं, जो खानबा का युद्ध था वो हो जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच,
बाबर और राणा सांगा के बीच हो जाता है। उसके बाद करते हैं 1528 का चंदेरी था, जो कि जो राणा सांगा था उसकी सहायता की थी जब खानवा का युद्ध हुआ था। उसने किसने की थी भाई, जो चंदेरी का युद्ध होता है ठीक है, वो अपने हो जाते हैं मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय ने सहायता की थी, तो बाबर ने इसको भी नहीं छोड़ा, ठीक है। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था चंदेरी का। उसके बाद लास्ट में हो जाता है घाघरा का, ये किस किस के बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है, बाबर और अफगानों के बीच होता है। तो एक बार हमने रिपीट कर लिए, बाबर के लड़े गए सारे के सारे युद्ध, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो हमने भी पढ़ा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हुमायूं वीर साहसी और धैर्यवान पुरुष था, तथापि वह अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका। हुमायूं की पराजय के कारणों को स्पष्ट कीजिए, या क्वेश्चन हो सकता है हुमायूं के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए, हुमायूं की कठिनाइयों के कारण कीजिए वर्णन कीजिए, उसकी असफलता के कारण भी आपको बताना है। तो बात करते हैं उत्तर में, हमने आपको बता रखा है उत्तर में हम क्या करते हैं, उत्तर डालकर यहाँ पर उत्तर डालकर एक बॉक्स बनाते हैं, और जितना भी हमें कन्फर्म होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई हुमायूं बाबर का बेटा था, ठीक है, और हुमायूं ने क्या क्या किया, सब कुछ जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमें जानकारी है हुमायूं के बारे में वो हम कहाँ लिख देते हैं, इस बॉक्स में लिख देते हैं, जो कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इन्हें हुमायूं के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। अब करते हैं उसके बाद में इसकी पूरी लिखना स्टार्ट। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग हुमायूं की कठिनाइयां या समस्याएं, ठीक है, हुमायूं की कठिनाइयां या समस्याएं। तो मिर्जा जौहर क्या कह सकते हैं, तजकी रातुल वाक्यात का लेखक कहा था, तजकी रातुल वाक्यात का लेखक मतलब मिर्जा जौहर ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, किंतु सत्य यह है कि उस जैसा अभागा कोई मुगल शासक गद्दी पर आसीन नहीं हुआ। हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है क्या, भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है भाग्यशाली, परंतु जो हुमायूं था वह कैसा था, अभागा, वही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए लेन पुल ने लिखा है कि जीवन भर लुढ़कते रहने वाले हुमायूं ने अंत में लुढ़क कर ही जान दे दी। हुमायूं अपने पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। इसी समय उसके सामने अनेक भीषण कठिनाइयां विद्यमान थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हो जाता है। अब कौन कौन सी कठिनाइयां हैं वही हम हेडिंग के थ्रू यहां पर देखने वाले हैं। पहली जो हमारी कठिनाई हो जाती है वो हो जाती है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। जो उत्तराधिकारी जो होता है, कह सकते हैं हुमायूं जो था उसमें अपने कह सकते हैं जो सुल्तान बनने का क्या था, अभाव था। भाई देखा उत्तराधिकारी के नियम का अभाव, जो नियम होते हैं वह फॉलो नहीं करवा पाया, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि उस समय उत्तराधिकारी के नियम स्पष्ट नहीं थे। इसी कारण उसके भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी, क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू बनेंगे, क्या बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे कि बाबर के बेटों के नाम बताइएगा, बाबर के कितने बेटे थे और सभी के नाम आपको यहां पर बताना है। बाबर के बेटे कितने थे, एक तो आपको पता होगी कि भाज सब में सेकंड वाला कौन बना है, हुमायूं, तो एक तो हमें याद ही हो गया कि एक तो बेटा था कौन, हुमायूं, एक तो बेटा था हुमायूं। आप बाबर को क्या बनाना है, बाबर को बनाना है गागर, ठीक है, सॉरी, बाबर को क्या बनाना है, बाबर को बनाना है गागर। अगर अपने गागर याद कर ली तो समझ लो सब कुछ याद हो गया, ठीक है, चारों बेटों के नाम याद हो गए। तो बात करते हैं आपको याद करना है गागर, ये मैंने क्या बना दी भाई, उल्टी गागर बन रही है, रुको, ठीक है, ये मैंने क्या बना दी भाई, गागर बना दी। गागर में क्या क्या रख सकता हूं, देखो कामरान, तो यहां पर रान माने क्या हो जाएगी, बरसा, रैन माने बरसा होती है, तो यहां पर रान को बरसा कर लेना, रैन कर लेना, ठीक है। तो वर्षा कहां होगी भाई, यहां पर इकट्ठी हो जाएगी ना जल, बिल्कुल हो जाएगा। यहां देखो हिंदाल, तो यहां पर दाल निकाल लेना, ठीक है, दाल कहां डालते हैं भाई, दाल भी कहां डाली जाती है, गागर में, ठीक है,
और अस्करी, तो करी भी कहां रखी जाती है भाई, करी भी कहां रखी जाती है, इसमें रख सकते हो हम, ठीक है। तो जिस प्रकार से रख सकते हैं वो सब किसके किसके बच्चे हैं, वो भाई गागर के बच्चे हैं, मतलब बाबर के बच्चे हैं, ठीक है। तो बाबर के बच्चे कौन कौन हो गए, हुमायूं हो गए, कामरान हो गए, हिंदाल हो गए और अस्करी हो गए, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ने जीवन भर उससे गद्दी हड़पने के लिए षड्यंत्र रचते रहे। खुद के भाई कौन, हुमायूं के भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी, बाबर के बेटे, तीनों जो थे हुमायूं का जो राजगद्दी थी उसको हड़पने के लिए जीवन भर क्या करते रहे, षड्यंत्र रचते रहे, ठीक है। बात करते हैं जो आरिस्किन लिखते हैं, जो आरिस्किन है कोई लेखक, वह लिखते हैं उस समय एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें अधिकार का निर्णय तलवार ही कर सकती थी और प्रत्येक भाई अपने भाग्य का निर्णय तलवार के बल पर करने के लिए तत्पर था। जो प्रत्येक भाई था वो किसका, साम्राज्य की गद्दी का निर्णय तलवार के तौर पर करने के लिए तत्पर थे चारों की चारों भाई, ठीक है भाई। हो जाता है यहां पर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हमारा देखने को मिलता है संबंधियों का विरोध, जो संबंधी थे वो भी यहां पर विरोध देखते हुए मिलते हैं, विरोध करते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ संबंधी भी स्वयं को राजगद्दी का अधिकारी समझते थे कि भाई हम अधिकारी बनेंगे, ये भाई अधिकारी नहीं बनेंगे, अतः वे भी सिंहासन रूढ़ होने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचते रहे थे। आगे देखते हैं, थर्ड हेडिंग हो जाती है अफगानों का विरोध। बाबर के समय में ही अनेक अफगान सरदार, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, आपको पता है पानीपत के युद्ध में बाबर ने हुमायूं के बेटे ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था, उसका भाई था एक महमूद लोदी, ठीक है भाई, दे रखा है यहां पर महमूद लोदी और आलम खां, शेर खां तथा गुजरात के बहादुर शाह मुगल को भारत से निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। शेरशाह ने ही तो हुमायूं को पराजित करके भारत से बाहर भगा दिया था और वह उसके स्थान पर स्वयं शेरशाह सूरी नाम से बादशाह बन गया था। ये तो आपको मैंने पढ़ा रखा है, इसके दो युद्ध करता है, ये कितने युद्ध करता है शेरशाह सूरी हुमायूं से, शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं से कितने युद्ध करता है, दो युद्ध करता है, एक करता है 1549 में, ध्यान रखना 1549 में, 1649 में, थोड़ा सा यहां पर टिपिकल रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ तो अपना ठीक है लिखा हुआ, ठीक है। तो बात करते हैं शेरशाह सूरी ने पहला युद्ध करते हैं कौन 1549 में, भी 1549 में कौन सा युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है 49 होगा, 39 होगा यहाँ पर, ठीक है 39 होगा, मैं 49 कह रहा हूँ, 39 होगा, रुकिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है 39 होगा, ठीक है। कब 1539 में एक युद्ध होता है, वह होता है चौसा का युद्ध, कौन सा, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, किस किस के बीच होता है ये आप देख ही रहे हो, हुमायूं तो होगा ही होगा, ठीक है हुमायूं तो होगा ही होगा, और मैंने क्या बताया शेरशाह के बीच, किसके, शेरशाह सूरी के बीच, वही यहां पर दे रखा है, शेरशाह के बीच और हुमायूं के बीच एक युद्ध होता है पहला, वो युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 में, कब 1539 में युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को यहां पर हरा देता है, शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, मगर हुमायूं पूरी तरीके से नहीं हार पाता है और साम्राज्य किसके अनुसार ही रहता है, साम्राज्य हुमायूं के ही अंतर्गत रहता है। उसके बाद शेरशाह सूरी फिर युद्ध करता है, शेरशाह सूरी फिर युद्ध करता है 1540 में, कौन सा 1540 में शेरशाह सूरी फिर युद्ध करता है, कौन सा, वो हो जाता है कन्नौज का युद्ध, कौन सा, कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, 1540 में क्या होता है कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं, जो हुमायूं था, हुमायूं बुरी तरीका से यहां पर परास्त होता है और शेरशाह फिर क्या करता है अपनी गद्दी यहां पर आसीन कर लेता है। 5 वर्ष तक गद्दी पर कौन बैठता है, शेरशाह सूरी बैठता है 1545 तक, ये आपको यहां पर याद होने चाहिए। अब वही यहां पर दे रखा है शेरशाह सूरी के नाम से बादशाह फिर वह बन जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये दोनों के दोनों शेरशाह सूरी और हुमायूं के युद्ध आपको याद रखने पड़ेंगे, 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, 1540 में कन्नौज और कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें कौन, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं बुरे तरीके से
कह सकते हैं हार गया था और ये यहां से भाग गया था सल्तनत छोड़कर। और उसके बाद 5 साल तक कौन अधिकार करता है? शेर शाह सूरी अपना अधिकार करता है। उसके बाद करते हैं आगे की बात, नेक्स्ट हेडिंग हमारी देखने को मिलती है, वो होता है राजपूतों के दमन की समस्या। क्या? राजपूतों के दमन की समस्या। बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूत राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा राणा सांगा को पराजित किया था, अतः राजपूत भी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मुगलों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में संलग्न थे। ये भी क्या कर रहे थे भाई? राजपूत भी हुमायूं से गद्दी छीनने का कह सकते हैं षड्यंत्र रच रहे थे। एक काल हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाता है असंगठित साम्राज्य। जो हुमायूं था उसका साम्राज्य कैसा था? संगठित नहीं था, असंगठित था। ठीक है, बाबर ने जो राज्य हुमायूं के लिए छोड़ा था उसकी शासन व्यवस्था अत्यंत दुर्बल थी। क्रांतिकाल के लिए वह दुर्बल, आधारहीन और अशक्त राज्य था। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि बाबर ने अपने पुत्रों को जो राज्य विस्तार में दिया था वह फूलों की सेज ना होकर कांटों की सेज थी। है ना, मुगलों की सेज ना होकर क्या थी? कांटों की सेज थी। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, ध्यान रखना, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के भाई 4 पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो जाती है वो हो जाती है दोषपूर्ण सैन्य संगठन। क्या? दोषपूर्ण सैन्य संगठन हुमायूं का देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि हुमायूं की सेना ने भी अनेक दोष विद्यमान थे। उसकी सेना के अनेक जाति के लोग थे जिसके कारण उसमें एकता और राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण अभाव था। इसके साथ ही उसके सैनिक उसके प्रति पूर्ण स्वामी भक्त ना थे। तो यहां पर भी सेना में कमजोरी देखने को मिलती है इसके। और नेक्स्ट हेड जाती है रिक्त राजकोष। क्या? रिक्त राजकोष। बाबर ने अनेक युद्ध किए जिसके कारण उसका राजकोष रिक्त हो गया था। इतना ही नहीं, प्रत्येक विजय के पश्चात वह अपने सैनिकों में पर्याप्त धन भी वितरित कर देता था। जो लूट कर लेके आता था उसका पर्याप्त धन जो हुआ करता था वो अपने सैनिकों में वह बांट देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि हुमायूं का दुर्बल चरित्र। इन सब कठिनाइयों के साथ ही हुमायूं के अपने कुछ चारित्रिक दोष भी थे। क्या थे? अपने कुछ चारित्रिक दोष भी थे। वह बिलासी, मस्तमौला, दूरदर्शी एवं खाने का शौकीन था। इस प्रकार हुमायूं स्वयं ही अपना शत्रु था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखे जो हुमायूं की असफलता के कारण हो जाते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम मिलेंगे। ठीक है, और इसको अच्छी प्रकार से देख लिया जितने भी युद्ध मैंने बताए हैं। ठीक है, हुमायूं के यहाँ पर हुमायूं को देखा है तो हुमायूं के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। हुमायूं के युद्ध कौन कौन से थे? 2 युद्ध लड़े थे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। पहला हुआ था 1539 में और दूसरा हुआ था 1540 में। 1539 में किस किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पूरी तरीके से परास्त नहीं हुआ था। वह अपने साम्राज्य के कह सकते हैं अधीन रहा था। ठीक है, जो कब हुआ था? 1539 में हुआ था, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। उसके बाद एक साल के बाद कब होता है? 1540 में युद्ध होता है जिसे कहते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं के लिए बुरी तरीके से परास्त करता है और वह देश छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, और वह देश छोड़कर क्या होता है? भाग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे देखा और अगली बार में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।